हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, तो क्या आप भी मेरे जैसे प्लांट की ग्रोथ अच्छी करना चाहते हो? तो अगर आप करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। तो दोस्तों, इसके पीछे एक सीक्रेट है। चलो दोस्तों, कोई मजाक कर रहा था मैं, कोई सीक्रेट नहीं है इसमें। आपको बस आपको जो फर्टिलाइज़र या खाद का कौन सी खाद यूज़ करनी है वो इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको हमारी जो गोबर खाद आती है काउडंग, उसे मैं दोस्तों मेरे प्लांट में यूज़ करता हूँ। मैंने केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना बहुत कम कर दिया है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र जो हमारी सॉइल होती है वो उसकी जो वो जो उसकी ताकत होती है, शक्ति होती है, वो कम हो जाती है। और हमारे जो नेचुरल फर्टिलाइज़र जो होता है, जैसे कि आप गोबर खाद, जो बकरी का जो वेस्ट आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा गोबर खाद है, ये डिकम्पोस्ट हो चुका है दोस्तों। तो इसे हम कैसे यूज़ करते हैं ये आपको मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको आपके प्लांट की जो है गुड़ाई कर लेनी है अच्छे से। गुड़ाई मतलब क्या होता है कि आपको आपकी प्लांट की जो ऊपर की जो सॉइल होती है उसे अच्छे से मतलब थोड़ा थोड़ा भुरभुरा कर लेना है, जिससे कि आप जब उसमें ये आपका जो काउडंग है वो डालो तो उसमें अच्छे से मिट्टी में मिक्स हो जाए। और आपको फिर थोड़ा थोड़ा काउडंग डालना है डायरेक्टली, जो कि दोस्तों डीप कंपोस्ट होना चाहिए। इस काउडंग को आपको कम से कम 3 से 4 महीने धूप में रखना है अच्छे से। आप किसी मतलब जैसे गाय वालों के पास से गोबर खाद आप उन्हें बोलोगे तो आपको गोबर खाद दे देंगे। दोस्तों, ये जो काउडंग के जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें कोई स्मेल उमेल नहीं आती दोस्तों, बिल्कुल ही विदाउट स्मेल आता है ये, क्योंकि अभी डिकम्पोस्ट हो चुका है, ये अच्छे से जो है खाद बन चुका है। तो दोस्तों, इसको यूज़ इस तरह से करना है। पहले आपको गुड़ाई कर लेनी है आपके प्लांट की और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा काउडंग यूज़ करना है। और फिर उसके बाद आपको इसमें वाटरिंग ज़रूर करनी है, विदाउट वाटर आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसमें तुरंत वाटरिंग करनी है, जैसे कि आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। आपको दोस्तों इस वीडियो में मैं दो तरीके बताऊँगा, दोनों तरीकों से आप जो है गोबर खाद यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने पहला तरीका आपको बता ही दिया है, और दोस्तों ये सेकंड तरीका है। तो आपको प्लांट की गुड़ाई कर लेनी है जैसे कि मैंने की है, और इसमें जो हमारा गोबर जो आता है, अब देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में जो गोबर दिखाऊंगा उस तरह से आपको गोबर कहीं पे मिल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको गोबर लेना है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आपके जो प्लांट है उसमें अच्छे से रख देने हैं। 3 से 4 टुकड़े आप हर एक प्लांट में रख सकते हो। और जैसे दोस्तों आप इसमें वाटरिंग करोगे तो ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र तो आपने सुना ही होगा, जो कि धीरे धीरे अपना जो न्यूट्रिशन है वो पेड़ को देता रहेगा। तो ये भी दोस्तों एक बहुत अच्छा तरीका होता है प्लांट को फर्टिलाइज़ करने के लिए, इससे कि आपको बार बार आपके पेड़ को फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। इसी तरह से आप भी कर सकते हो दोस्तों आपके ट्रीज के साथ। और दोस्तों, हम ये मतलब गोबर डालने के बाद हम इसमें वाटरिंग करेंगे, तो हम जब वाटरिंग करेंगे तो इसके साथ जो है थोड़ा थोड़ा जो इसके अंदर से न्यूट्रिशन जो है गोबर का वो पेड़ के अंदर जाता रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए,
और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँ या नहीं वो भी मुझे आप बताइए कमेंट करके। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जल्दी मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में।